हेलो एवरीवन, वेलकम टू उन्ती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज बेटा हम इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर करने वाले हैं। सिक्स नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। इसकी वेटेज जो है 6% है, वैसे 6.6% थी, ठीक है, लेकिन ये 6% मैंने मैं मार्क की है, 6.6 नहीं लगा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये पीवी इक्वल एनआरटी के साथ मिलके आता है ना, स्टेट ऑफ मैटर वाले लेसन के साथ मिलके आता है, तो हम इसकी परसेंटेज 6 ही रखेंगे। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों अपने अपने हट के लेसन है, ठीक है, बहुत आसान है लेकिन बहुत लेंथी है, और बच्चे क्योंकि दोबारा इसको टच नहीं करते इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेंथी है। तो याद रख लेना, छोटे छोटे फॉर्मूला है, डायरेक्ट करेंगे तब भी आपको आ जाएंगे। सामने फॉर्मूला लिख रखा है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, बात खत्म, आंसर जगलिंग करनी, लेफ्ट राइट घुमाना, कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान फॉर्मूले के साथ बहुत ही आसान क्वेश्चन। सर बी बी है, बाकी किसी ने सॉल्व किया भाई? सर ऑप्शन बी। ये सभी है, ठीक है, सबका सॉल्व हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बम्बे सर, सारे बी लगा दो ना। व्योम का माइक पता नहीं ये क्या करके रखता है, दूसरे बंदे की आवाज हमारे तक पहुंच जाती है, कुछ तो गड़बड़ किया इसने, ऐसे सीक्रेट पूछो बिल्कुल ना, ना ये वो तो नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग करता होगा है ना आवाज की रिकॉर्डिंग, पायरेसी ऐसा कुछ उसकी सेटिंग उसकी सेटिंग कर रखी है। मैं क्या करूं रिकॉर्ड करके जब व्योम बोलता है तो सबको चुप रहना पड़ता पता है जलवा व्योम को, हाँ जलवा है भाई का, है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जलवा बनाए रखिए, पैसा कमाइए जलवा बढ़ जाएगा। चलो भाई, तो भाई सीधा है, केसी बाय केपी की वैल्यू निकालनी है, तो केसी बाय केपी मतलब इस केपी को इसके नीचे ले जाएंगे, और ये जो है ये आर टी वाला ये जो सिस्टम इसको यहाँ लेंगे, तो ये 1/RT पावर डेल्टा एन हो जाएगा, दैट्स इट। ये रहा, ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा सबको, यस सर, यस सर। तो केसी बाय केपी की वैल्यू अगर निकालते हैं, ठीक है, केसी बाय केपी ये इधर चला जाएगा, पर कैसे किया भाई ये, कुछ गड़बड़ कर रखी, पता नहीं क्या करा। खैर हमें पता है केसी बाय केपी आरटी की पावर 1/2, सीधा सीधा, ठीक है, तो ये सीधा फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया, याद रख लेना केसी और केपी के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 700 केल्विन के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी ऑफ द रिएक्शन, दिस वन ये दे रखा है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोल पर लीटर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, केपी दे रखा है, केसी पूछा है, फॉर्मूला आपको पता है, फाइंड करो फटाफट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। केसी दे रखा है, केपी दे रखा है, केसी निकालना है, इक्वेशन सामने, और इस इक्वेशन में याद रख लेना ओनली गैसेस रिएक्टेंट, ओनली गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट ही लेना, हमेशा देख लेना कि गैस है कि नहीं है, कहीं सत्यानाश कर दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, माधव बेटा कहीं जाना है, रात को जा रहे हो ना पार्टी मनाने, ठीक है, ओके बाय, कोई बात नहीं, ठीक है, पार्टी में जा रहा है, किसी की शादी में जा रहा होगा, हमें पता है, हमें बुला नहीं रहा, देख लो जाओ अकेले। ऐसे करना, दो तीन पैकेट रसगुल्ले के भर के ले आना, फिर बांट देना, हम रात को आके खा लेंगे, मंदिर जा रहे ठीक है बेटा, ओके ओके बाय बाय। अभी आंसर दो इस क्वेश्चन का किसी के पास आंसर नहीं, कोई सॉल्व नहीं करना चाहता क्या? सर कर रहे हैं सर, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, गड़बड़ हो गई, ठीक, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम।
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बाकी कितने बच्चों को ऑप्शन सी सही लग रहा है? सही सर मेरा तो मैच ही नहीं हो रहा कोई ऑप्शन। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ये सबसे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट यही है कि सामने वाले ने क्वेश्चन ही गलत दिया है। आगे बढ़ो, अंगूर फटते हैं, दोबारा से करो, कोशिश करो। करना तो कुछ भी नहीं यार, केपी दे रखा है, कैसे यस सर, निकाल। कर रहे हैं सर। इसको आरटी पावर सर सुन सी आर है, ठीक है बेटा, रहे हैं? यस ओके ओके। आरटी की पावर डेल्टा एन से, डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकाली पहले मुझे बताओ तो। और तीन तीन में से दोगे, वन सर, सर वन आई तो आरटी से डिवाइड करना है यार इसको, 1.8 × 10⁻³। है। यस सर, आर और टी से डिवाइड कर दो। टी दे रखा उसने 700 है और आर 8.3 है, 8 मान लो, 8 × 7 = 56। सर 0.0821 लेंगे सर। 0.0821 वो लेनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? यस सर, सब पर लीटर निकाल देना, मोल पर लीटर। हाँ कहाँ पर है? अच्छा ऑप्शंस में पर लीटर निकाल रखा है। तो सर, क्वेश्चन में ही बोला है मोल पर लीटर में क्वेश्चन सर। में ठीक बोले ना सर। है, क्वेश्चन में मान लो मोल पर लीटर बोल रखा है तो तो सर 0.0821 लेके करिए सर। ठीक है, आर की वैल्यूज बताऊंगा मैं आपको, तो इतने आप जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कीजिए। फिर तीन चार आर की वैल्यूज मैं आपको बता दूंगा किस वैल्यू में क्या करना होगा। चलिए आंसर देखते हैं, ये रहा 8.31 से ही सॉल्व हुआ पड़ा। अब मुझे ये बता दो कि क्या गड़बड़ थी। जतिन बेटा आप कह रहे थे क्या? जी सर, मैंने एक वो दूसरे वाली वैल्यू लेके निकाला था। कैसे? अच्छा मेरा सर सेम आंसर आया सर दूसरी दूसरी वैल्यू से सेम आंसर आ सर, रहा है। मैंने भी सर उसी से निकाला है, सेम ही आंसर आ रहा है। इससे तो अलग आएगा सर आंसर, इससे अलग आएगा आंसर। इससे अलग यस आएगा सर, इससे आपको अलग आ रहा है सर, मैंने इससे निकाला सर, गड़बड़ आ रहा है मेरे। बड़ा रहा है। चलो देखते हैं, रुको। 1.8 इसको मैं, और 10⁻³ इसको -3 रहने देते हैं। इसको 1.8 को मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ 10 लगा रहा हूँ, और 8.3 को मैं 8 मान लेता हूँ, और 700 को मैं 700 ही मान रहा हूँ, लेकिन ये 2 0 ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई में यहाँ 10⁻² कर दिया। ये 10 से 10 कटेगा तो वो कितना आएगा? नहीं, ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ओवरऑल मैं इसको 10⁻⁶ लिख देता हूँ, ये 10 भी गायब हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 18/56, 10⁻⁶। ठीक है भाई, 18 और 56 को क्या मानो? इसको 20 मान लो और इसको 60 मान लेता हूँ, 20 या 60 लगभग 1/3 आएगा, मल्टीप्लाई में 10⁻⁶। 1/3 होता है 0.33, थ्री मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ है तो 3.3 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा। ये सही है, ये इसी के करीब है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, यही है 3, बाकी की वैल्यूज तो 6 वगैरह कुछ है। अब अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू ये तो था सिंपल निकालने का, है ना? अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, और दोनों तरीके से निकालते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने उल्टा लिख रखा था ये। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या किया जा सकता है? लेट्स सी। तो भाई यहाँ 1.8 को डिवाइड करना है 8.314 मल्टीप्लाई में 7 कर देता हूँ,
और ये 2 0 तो ऊपर के, 10^-5 कर देता हूँ, ये तो सॉर्ट आउट है ना, 0 तो हम कर yes, ठीक है। तो अब जरा 1.8 मल्टीप्लाई में 10^-5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 चौके 28, 7 1 7 और 2 9, 7 21, 8 56, 57 58, ये आ गया 58.919 है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो भाई तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे। वैसे आप लोगों को मैंने बोला था कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आप लोगों को बोला था मैं यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे IIT का एग्जाम नहीं देना, जी सर, आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग करते हैं इसको यूज तो डेफिनेटली आप अपने हाथ काट रहे हैं, दुश्मन है कैलकुलेटर आप लोगों को। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ, और मेरे को इसका कोई शौक नहीं है। आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आती है अभी कैलकुलेटर से, ये आती है 0.03092, 0.03092 × 10^-5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3.092 × 10^-7 कितना आएगा, 3.1। इज दिस नॉट, अब मुझे बता दो किसने ये वैल्यू गलत निकाली है। सर पॉइंट दूसरी वाली वैल्यू से निकालना सर एक बार, क्या 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 सर दूसरी वाली आर की वैल्यू से निकालना है एक बार। दूसरी कौन सी वैल्यू ली थी आपने बताओ? 0.0821 0.0821 मल्टीप्लाई में 700, यस सर वो पॉसिबल ही नहीं है यार, 8.3 और 0.08, पहले तो यार 2 डिजिट का डिफरेंस, 100 का तो डिफरेंस ही पड़ गया। पहले तो मुझे बताओ पॉइंट कैसे सेट किया आप लोगों ने, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ हमने क्या पॉइंटों की गलती की है कोई, पहले तो ये बता दो। आंसर लगभग सेम होगा, 821 और 831 में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, आंसर डिजिट वैल्यू सेम आएगी, लगभग ऐसी आ जाएगी, वो ज्यादा 3.08 हो सकता है, तो उसको भी मैं 3.1 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपने ये 100 100 का घपला कर रखा है, हमने यहाँ पर सारे पॉइंट सही लिए, ये 3 था, 100 ऊपर जाएगा, 10^-5 हो गया, 7 रह गया नीचे, उसके बाद 10^-5 से मैंने क्या किया भाई, 1 2 2 पॉइंट इधर लेके आया, 100 इधर लेके आया, तो डेफिनेट मैंने 2 0 ऊपर चढ़ा, बिल्कुल सही है, पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं करी मैंने यहाँ पर। सर ऊपर वाले से भी सर हो जाएगा ना सर, 700 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इससे मल्टीप्लाई इससे, यस सर। चलो यार आप मेरी बात ही नहीं समझे, करते हैं ठीक, आप वाली कर लेते हैं, 10^-5 लिख दूं, नीचे 7 लिख दूं, मल्टीप्लाई में 0.0821 ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1.8 × 10^-5 है, डिवाइड में क्या आएगा, 7 1 7 7 7 2 14 7 8 56 और 1 57, 57 का 57 लगेगा, ये आ गया ठीक है, यस सर। चलो अब मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ आएगा 1.8 डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 0.5747। अब जरा ये आता है 3.1, बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ क्या, मैंने बोला था ना 1 3 × 10^-5, इसको 7 कैसे बनाओगे, यहाँ 7 है भगत जी, समझ में आ गया गलती, पावर का ध्यान नहीं दिया, ये यही चीज शुरू में बोल रहा था मैं कि बेटा इसमें 100 का गड़बड़ है, मैंने बोला आंसर तो लगभग सेम आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 100 का गड़बड़ है, ये देखो 8.3 कहाँ गया, ये रहा 8.31 और 0.082, यार 0.0 मतलब यहाँ पॉइंट लगना चाहिए, 8.2 और 8.3 में तो डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन यहाँ 100 का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में, ये शुरू में बोला आपको, फिर मैंने कहा आपको समझ ही नहीं आ रहा तो करके देखते हैं ठीक है जी सर। एक बार आर की वैल्यूज बता दीजिए सर, कैसे कब लेनी होती है? हाँ बिल्कुल, 3 4 तरह की वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है, चौथी भी होती है वैसे थोड़ी सी,
बट तीन ही गिनेंगे, ज्यादा नहीं गिनते, ठीक है? बता जी देता हूँ बेटा, वेट ए मोमेंट। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन और आंसर, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्लास में मैंने आर की वैल्यूज डिस्कस कर सकती हूँ क्या, पता नहीं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रुकिए जरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो जरा और बताओ आंसर क्या होगा। आर की वैल्यूज इसी सेशन में है शायद, देख लूंगा मैं कौन सी क्लास में बन रही है, बट मेरा अंदाज है कि इसी क्लास में होनी चाहिए। मैंने डिस्कस तो करी हुई है शायद। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कहते हैं, कंसीडर द इक्वेशन सर, क्वेश्चन में केपी यूनिट चेंज करनी थी। कौन से क्वेश्चन में, इसमें? रितेश बेटा, कौन से क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की बात कर रहे हो? इसी क्लास में है भाई, ठीक है, सारी आर की वैल्यूज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में, अब उसमें और भी गड़बड़ रहेगी क्या, देखते हैं। यूनिट कौन सी चेंज करनी थी, केपी रिएक्शन के लिए बताना है। तो केपी तो निकाला ना बेटा, ये रहा केपी, केसी इक्वल केपी दे रखा है, केसी बताना है, यही तो है फॉर्मूला। क्या कह रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग यू। रितेश, पहले मेरे को ये क्वेश्चन बताओ, ली चैटलर के अकॉर्डिंग कौन सी फेवर कंडीशन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आ रहा किसी को क्या यार, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना। नहीं आ रहा, क्या बता दीजिए सर आप। कहता है, कंसीडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करो, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेवर फॉर द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी कंडीशन फेवर करी है, लोअर द टेम्परेचर एज वेल द प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को लोअर कर दो। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच को देख के अंदाजा लगा सकते हो। सर एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक एनर्जी हमें मिल रही है क्योंकि नेगेटिव जा रहा सिस्टम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, अब जरा ये देख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो बैकवर्ड में जाएगी क्योंकि उसका खुद का टेम्परेचर तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा ज्यादा टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाना क्या होगा, फेवर में करेगा अनफेवर में करेगा, अनफेवर प्रोडक्ट कम बनेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। टेम्परेचर कम करना फेवर करेगा कि नहीं, बिल्कुल लोअर टेम्परेचर करना फेवर करता फॉरवर्ड को, बिल्कुल सही है। प्रेशर को लो करें तो, अब प्रेशर लो कैसे पता लगता है, नंबर ऑफ मोल गिनो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, किसके ज्यादा है, प्रोडक्ट में दो है सर, रिएक्टेंट में ज्यादा है सर। जी तीन है, और गैसेस ओनली, और सॉलिड या लिक्विड के मत काउंट करना। तो जिस तरफ ज्यादा मोल होते हैं अगर प्रेशर डालोगे, उस तरफ ज्यादा वजन पड़ेगा या दूसरी तरफ ज्यादा पड़ेगा, बताओ। एक बार सर फिर से बता देना अपना भैया बोला। जिस तरफ ज्यादा मोल है आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल जिस तरफ ज्यादा है, प्रेशर का इफेक्ट नंबर ऑफ मोल ज्यादा वाले की तरफ पड़ना चाहिए कि कम वाले की तरफ? ज्यादा सर ज्यादा वाली तरफ। वाले की तरफ, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा वाले मोल पर फर्क पड़ेगा और वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, लेकिन प्रेशर कम करोगे तो प्रोडक्ट कम सर फेवर में नहीं होगा सर ये। बनेंगे, है ना, प्रोडक्ट कम बनेंगे। तो मतलब अब यहाँ पर देखो, लोवरिंग द टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर को लो करना क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो लो करने पर क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड में जाएगी, एज वेल एज प्रेशर। प्रेशर को लो करोगे तो भाई
प्रोडक्ट पर और रिएक्टेंट पर असर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उल्टा जाएगी। तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना, यहाँ तो अनफेवर में आ गया। आ गया ना, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं कर सकते, एज वेल एज प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर ये फॉरवर्ड में जाएगी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड में जाएगी। दूसरा पॉइंट भी गलत है। समझ में आ गया? जी ठीक सर, है। एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे तो किसी भी कीमत पे सही नहीं है, तो सी ही सही है। लोवरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करो क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लो करोगे तो फॉरवर्ड को फॉलो करेगी। ठीक है, तो लो टेम्परेचर करेंगे। प्रेशर हाई, प्रेशर हाई के लिए नंबर ऑफ मोल काउंट करते होते हैं, 3 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, तो जहां ज्यादा मोल होते हैं प्रेशर का असर वहां होता है। यहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड को फॉलो करेगी। दैट्स मीन सी इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। बाकी के भगत, सोए हुए हैं हमारे बच्चे ना, जाग जाओ यार। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये, आपके आईआईटी में काम आने वाले हैं, जेई में, और एनसीईआरटी भी कर लेना, 60-70 क्वेश्चन है ना। व्योम के थम्स अप आ रहे हैं सारे के सारे, और किसी की दुआ भी नहीं रहे। नेक्स्ट, तो भाई वहां सी राइट ऑप्शन था, सीधी सी बात है, सी इज द राइट ऑप्शन, क्या मैं कर देता हूँ, ठीक है ना करें, चलो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ ये रिएक्शन है, इसको करेक्ट किया हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो N2O4 NO2 बना रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 इधर इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन है दे रखी रेस्पेक्टिवली, इसकी कंसंट्रेशन ये रही, इसकी कंसंट्रेशन ये रही। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन, केसी निकालना है। केसी क्या होता है अभी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर में 2 लग जाएगा बस। समझ में आ गया? फॉर्मूला बता दिया, आंसर बता दो मेरे को। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दो और उसको डिवाइड कर दो N2O4 की कंसंट्रेशन से, और दोनों कंसंट्रेशन उसने दे रखी, तो केसी की वैल्यू आ गई। हेलो सोलो, हाथ हिला लो, रजाई के अंदर बैठे हो मुझे पता है, ठंड लग रही है, बाहर निकाल लो हाथों को रजाई से। मैं भी देखो दोनों हाथ यहीं पे, मेरे को तो ठंड लगी पड़ी है पहले से ही, कोल्ड हुआ था जबरदस्त वाला, आज तक गला साफ नहीं हुआ। सर ऑप्शन ऑप्शन सी, सी। बाकी के बच्चे, सर ऑप्शन एक मिनट, रितेश ने बोला ए, ठीक है। विशेष बेटा आपका ऑप्शन समझ नहीं आया क्या बोले आप? सर मैं कह रहा हूँ 1 मिनट सर। ठीक है, सर सी। सी समीक्षा, युवराज, नैन्सी, सबने सी ऑप्शन दिया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं फिर इसको, है ना, करना तो कुछ था ही नहीं इसमें। देखो भाई, प्रोडक्ट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, सीधा सीधा डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है तो जरूरत नहीं है, उसका 2 है तो लगाना पड़ेगा। आ गया सीधा आंसर, ये मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर है सबको? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। फॉर द रिएक्शन सीओ सीओ फलाना धमकड़ा बन गया, याद रखना बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन हमेशा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ केपी केसी इज इक्वल टू, केपी और केसी की वैल्यू किसके इक्वल है? एपी बाय केसी, ये भी वही है, केपी और केसी के बीच में रिलेशन वही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी बच्चे, सर बाकी के बच्चों का आंसर सही आ रहा है क्या?
सबको आंसर डी लग रहा है क्या? सॉरी सर, बी होगा सर, बी बी होगा, बी। बी, चलो भाई एक बच्चे ने आंसर पलट दिया और बाकी के अब सारे बी लगा दो। बी होगा सर, बी। एक ने आंसर निकाल दिया तो सबको बस यही दिखाना है कि मेरा भी वही होना चाहिए, ऐसे ही है। सोशल एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर बच्चे वही आंसर लगाते हैं जो कोई एक बच्चा सीख जाए तो। हमारी क्लास में तो यही चलता है, बाकी का पता नहीं, ऐसे ही है। बता दो, अब भी बता दो क्या ऐसा है या ऐसा नहीं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है ना? ठीक है, आंसर देखें। सर वन बाय आर डी होगा, क्या होगा? डी सर, वन बाय आर डी। डी, ठीक है, डी से पलट कर डी पर आ गए। कुछ कुछ बच्चों का आंसर पलट रहा है, बहुत अच्छी बात है। आंसर देख लो क्या था, वन बाय आर टी। बी इज द राइट ऑप्शन, डी नहीं। कैसे पता लगा? पता है, कुछ नहीं करना था, डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी थी बस, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। डेल्टा एन की वैल्यू वन बाय आर टी है, तो के सी, के पी बाय के सी निकालना, के सी इधर चला गया, वन बाय आर टी है और आर टी की वैल्यू माइनस वन है, तो उसको वन बाय आर टी लिख दो बस, क्या आंसर? अंडर रूट आर टी थोड़ा होएगा। जी सर, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देयर इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी, इसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पूछा। रिएक्शन दे दी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोएफिशिएंट, सबसे आसान। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर, सेकंड है इसका। क्या सर? ऑप्शन बी सेकंड। हां ये टेस्ट में भी ऐसा न्यूमेरिकल आया। ऑप्शन बी है सर। यस सर, ऑप्शन बी है। हां सबको पता है, अब मेरे को रीजन बताओ ऑप्शन बी क्यों है सर? सॉलिड और लिक्विड जो है वो उनका कुछ नहीं माना जाता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, गैसेस को ही मानते हैं, तो सिर्फ गैस को लेंगे तो गैस तो सिर्फ एक ही है, और वो क्या, वो रिएक्टेंट है, तो 1 बाय O2 की पावर 5, क्योंकि इसके आगे 5 लगा हो, तो B इज द राइट ऑप्शन, B फॉर बेल। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अब एक चीज बताता हूँ, यही लेसन प्लस 12th क्लास में चल रहा है, मैं उनको भी PYQ करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो 11th के लेसन भी तो आएंगे ना भाई 12th के IIT में, उनको करवा रहा हूँ। तो वो बच्चे जो थे ऑप्शन नंबर सी, बी और डी तीनों में कंफ्यूज थे, सी बी और डी। ए तो सबको गलत लगेगा क्योंकि 5 ऐसे थोड़ा आ जाएगा, P4 के आगे 5 से मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों में खतरनाक वाले लेवल पर वो बच्चे कंफ्यूज हुए, ठीक है। हालांकि आंसर बताया बच्चों ने, ऐसा नहीं कि सभी कंफ्यूज हुए, लेकिन यहां से एक चीज कंफर्म होती है, जब कुछ दिन हो जाते हैं तो हम चीजें भूलने लग जाते हैं। सोचो आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर को रिलेट किया कि यही होना चाहिए, यही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन बच्चों ने वो बच्चों आंसर नहीं दे पाए। कारण क्या था? कारण समझ में आ रहा है? उनको वो लेसन किए को 1 साल से ज्यादा हो गया था। आप कह दो हमें भी 1 साल हो गया, तो उनको तो 2 साल हो गए। समझ में आ गई बात? तो कितना डिफरेंस आ जाती है मेमोरी के अंदर जब बच्चे सोचते हैं, थोड़ा डिले करते हैं चीजों को। यानी अगर उन्हीं बच्चों ने वो लेसन रिसेंटली किया होता, जैसे आपको ज्यादा याद है उनके मुकाबले ये वाला लेसन, बट 1 साल बाद आपका क्या हाल होगा? और वो बच्चे आपसे बहुत बेटरली आंसर्स देते हैं, ये याद रख लेना। यानी हमारी प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और हमें कितना बार बार करना पड़ेगा, यही मेहनत है, लेबर वर्क, हार्ड वर्क, लेबर, मेहनत। समझ में आ गई होगी मेरी बात? मैं बार बार एक ही चीज को प्रूव करता रहता हूँ रोज। ये लो भी आंसर आपके सामने, तो एक ही चीज को बार बार ना प्रूव करना पड़े, तो आपको खुद को थोड़ा समझ दिखानी होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्परेचर दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, एट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन पलट दी, जज्बात पलट दिया, रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी कर दिया, वैल्यू ऑफ के सी बतानी है, बताओ भाई।
जल्दी से बताओ। बता सकता है कोई? 2 मिनट सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। ठीक है, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी बच्चों का वेट करते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सी और डी में दोनों। सी है सर। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात से एग्री करते हैं हम, देखते हैं कितना किसी है। ठीक हो गया सवाल? आप बता दें सर ऐसे एक बार। बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, जैसी की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है बता देता हूँ इसका। वो देखो, जब रिएक्शन पलट जाती है तो Kc1 / Kc बन जाता यस सर। है। रिएक्शन को यहाँ क्या कर रखा है, 2 से डिवाइड कर रखा है, तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो आपका जो न्यू Kc होगा, न्यू वो Kc का ये वाला होगा कि पहले तो रिएक्शन पलट गई तो केसी का 1 / Kc हो गया, और अब 2 से डिवाइड भी कर दिया तो पूरे केसी का 1 / हो गया। समझ में आ गया? यस सर। तो इस केस में ये हो गया। तो यहां देखो, इन्होंने क्या दिखा रखा है, अंडर रूट 1 / Kc, ये रहा ये रहा। क्लियर है बेटा? 50 यस सर। डी इज द यस राइट जी आंसर। सर। तो आपको पता होना चाहिए करना क्या है। तो भाई केसी जो है, अगर रिएक्शन पलट जाए तो 1 / Kc हो जाता है न्यू वाला, और फिर अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड जो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो तो थर्ड रूट, 4 से डिवाइड हो तो फोर्थ रूट। ये थर्ड रूट फोर्थ रूट क्या होता है पता यस सर। है? तीन या चार फैक्टर बनेंगे फिर सर। तीन तीन के या चार चार का एक फैक्टर बनेगा। चलो बहुत बढ़िया बात। कहीं आप कहो कि डिवाइड जब भी करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट ही करते हैं, है ना? 2 से डिवाइड करो तो भी अंडर रूट, 3 से डिवाइड करो तो भी अंडर रूट, क्योंकि सर ने तो अंडर रूट ही बताया था इसलिए पूछा। बहुत अच्छी बात, आपको पता है ना? ना होते हैं कई लकीर के फकीर भी ना, सब तरह के बच्चे होते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कहते यूनिवर्स में हर तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। एक यहां पर मैं बैठा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में मैं मजदूर हूं, हो सकता है किसी तीसरे यूनिवर्स में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका हूँ, हो यस सर। सकता अगर किसी में सर IIT के लेक्चरर हो। है। हो सकता है कहीं मजदूरी भी कर सकते हैं, IIT के लेक्चरर क्या क्या पता मैं आइंस्टीन भी हूँ किसी यूनिवर्स में, है ना? हर तरह की प्रॉब्लम, मैं सब कुछ हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। मैं सड़ा हुआ आलू हूँ किसी यूनिवर्स में, ठीक है? तो भाई सारी तरह की प्रॉबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। हम लड़की भी हो सकते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट वुमेन्स। इन बच्चों को यहाँ पर संस्कार नहीं दिए जाते आजकल स्कूलों में, लेकिन संस्कार होने चाहिए सब में। रिस्पेक्ट योर सिस्टर्स, योर मदर्स और अदर गर्ल्स ऑल्सो, उनको रिस्पेक्ट जरूर करें। आप भी हो सकता है, वरना किसी यूनिवर्स में लड़की हो और आपके साथ भी जाती हो रही होगी, है ना? तो कम से कम रिस्पेक्ट कीजिए वुमेन्स का। हमारी माँ है, वो माता बहनें हैं, उनमें किसी को जन्म देने की ताकत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन X2Y विद द एक्टिवेशन एनर्जी EV एंड EF।
बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इन जनरल। अब वो कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी, ज्यादा होगी या कम होगी या कुछ भी नहीं होगी? ये तो नहीं हो सकता कुछ भी ना होना, डी वाला तो ऑप्शन ही गलत है। तो बराबर होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से, और रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को अब क्या करना है, अब आप सोच लो, काफी कुछ बता दिया। सर ऑप्शन ए, सर ऑप्शन ए लग रहा है सर। लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लगना तो चाहिए सही। सर ए, मेरे को भी ए लग रहा है। ये लगने वाले जितने भी बच्चे हैं मुझे वो पसंद नहीं आते, होना क्या चाहिए अपनी बात। सर ऑप्शन है, ऑप्शन है सर ए। हाँ थोड़ा पक्के वाला बोला करो यार, अपनी बात पर डटे रहना चाहिए। तुक्का तो मारना ही आपको, वो तो लास्ट ऑप्शन है। अभी मैं सामने बैठा हूँ तो मेरे सामने तो तुक्के मत लगाओ, वो तो लास्ट सर ए ही है सर। तो अगर फाइनल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर थोड़ा समझ के करो, ए ऑप्शन है। चलो अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो मैंने सारा बता दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर मेरे को भेजना है रिएक्शन को तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है बैकवर्ड के मुकाबले, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया, एंडोथर्मिक का मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन करना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। बस यही ऑप्शन है और कोई नहीं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीधा बता रखा है, नथिंग स्पेशल। फॉर द रिएक्शन केसी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, KP KCR compared at 184, it is found KP बड़ा के KC बड़ा, ये पूछ रखा है यार। ये रिएक्शन दे रखी KP बड़ा के KC बड़ा, डेल्टा N की वैल्यू निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगाओ KP KC वाला, पता लग जाएगा कौन सा बड़ा। समझ में आ गया? यस सर। पहले क्वेश्चन में तो यस सर। ठीक है तो करो फिर फटाफट आंसर दे दो। सर ऑप्शन ए, KP is greater than KC. KP बड़ा है KC से। बाकी स्टूडेंट भाई उनको भी ऐसा लगता है? सर दो मिनट। ठीक है यस सर, ए ही होगा, बड़ा है सर, ए ही बड़ा है। ठीक है चलो आप लोग कह रहे तो मान लेते हैं। लेट्स सी द आंसर। हाँ भाई केपी केसी से बड़ा है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू वन आती है, तो ऑब्वियस है जब इस इक्वेशन में भरेंगे तो आर और टी से, केसी को आर और टी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो वन हो गया, तो ये वन हो गया तो खत्म हो गया। आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे केसी को तो वो केपी के बराबर आएगा, मतलब अकेला केसी तो छोटा है ना केपी से। यस सर। उसको R और T से मल्टीप्लाई करके उसको बराबर किया जा रहा है, तो डेफिनेट है KP is greater than KC, that's it. Next question देखो भाई, equation लिखने पड़ेगी इसकी, और कुछ नहीं। An amount of NH4HS placed in the flask already containing ammonia at a certain temperature 0.5 atmospheric pressure दे रखा है। Ammonia hydrogen, ammonium hydrogen sulfate decomposed to yield ammonia or H2S, इस equation को लिख लो। NH4HS से क्या क्या बनता है, NH3 और H2S बनता है फ्लास्क के अंदर, प्रेशर बता रखा है टेम्परेचर सर्टेन है, प्रेशर बता रखा है 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका कंटेनिंग अमोनिया गैस, जिसमें अमोनिया गैस है उसका प्रेशर है 0.5। व्हेन द डीकंपोजिशन रिएक्शंस रिएक्ट रीचेस इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है टोटल प्रेशर 0.8 हो जाता है, 0.84। Equilibrium constant for NH4 decomposition of at this temperature is equilibrium constant. KC की वैल्यू पूछिए। निकाल सकते हैं? Yes sir, दो मिनट। ठीक, कोशिश कीजिए।
वरना फिर मैं तो बताने वाला हूँ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी स्टूडेंट कैसे सॉल्व किया, चलो ये बताओ। हाँ अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। सर सर टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम यूज किया था सर। टोटल प्रेशर यूज कर लिया, फिर उससे कैसे निकला, कैसे सर जो लेफ्ट हैंड साइड था उस पे 0.5 लिया था सर, और जो राइट हैंड साइड था उस पे 0.84 लिया था सर। अमोनिया का प्रेशर उसने बता रखा है, टोटल प्रेशर उसने बता रखा है, ठीक है। सर एक्स की वैल्यू 0.17 आई थी सर। एक्स क्या चीज है? केपी सर उसके बाद केपी इक्वल्स टू लेके सॉल्व किया था सर, उसमें फिर वैल्यूज ऐड हो गई थी सर, 0.5 प्लस 0.17। ठीक है, ऐसा ही कुछ होने वाला। हाँ भाई, बाकी बच्चों ने सॉल्व कर लिया? अभी कर रहे हैं सर। तक कर ही रहे हो, जल्दी से करो फिर। हुआ किसी का सॉल्व? 2 मिनट सर बस। सर 0.11 आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। चलो भी फिर मैं इसको आगे बताता ही हूँ, ठीक है, लेट्स डू इट। देखिए भाई क्या है ये, हमें दे रखा उसने अमोनिया का प्रेशर दे रखा है शुरू में, वेसल में अमोनिया का प्रेशर कितना उसने बता दिया था, ठीक है। चलो हमने मान लिया इन सब का जीरो, सॉलिड है ये तो वैसे ही जीरो मानना है, ये गैस का जीरो था। बाद में इक्विलिब्रियम पर क्या, इसका भी जीरो ही रहेगा इसका तो। इसमें मान लीजिए एक्स बढ़ गया, जितना इसका प्रेशर था एक्स ये बढ़ गया क्योंकि ये डिकम्पोज हुआ, ठीक है। मान लो कि ये एक्स डिकम्पोज हो गया तो ये एक्स बढ़ गया क्योंकि 1 ही मोल है, अगर ये 2 होता तो ये 2x बढ़ जाता है ना, जितना भी था उसमें एक्स जुड़ गया और इसका भी एक्स हो गया। तो टोटल प्रेशर निकाल लें, टोटल दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस एक्स प्लस 0.5, तो ये 2x प्लस ये 84 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 0.17। यस ये क्लियर है सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अगर हमें पता लग गया तो केपी क्या होता है भाई, केपी की वैल्यू क्या होती है, केपी क्या चीज है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में इसका प्रेशर हमें पता है कितना, 0.5 प्लस एक्स, एच प्लस का भी प्रेशर पता है एक्स, उनकी पावर 1 1 आएगी क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखनी है, वैसे उसने खुद ही बता दिया था ये सॉलिड है और ये दोनों गैस बनेंगे पता है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है तो ये तो कुछ है ही नहीं, रिएक्टेंट को तो लेंगे ही नहीं, बात ही खत्म है। या 1 ले लो, 1 लेते हैं, ठीक है, जब नीचे लेते हैं, 0 मत ले लेना वरना सारा 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा नीचे, तो कोई है नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, सीधा सीधा मल्टीप्लाई आएगी, तो अमोनिया का कितना बना,
0.17 को 0.5 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई? 67 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है? 0.17. इन दोनों की मल्टीप्लाई 0.11 आती है क्या? चेक कर सकते हो, देख लो कितनी आएगी। इसको अगर मैं मान लू 60 और इसको मान लू 20 तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 20, 6 दोनों 12, 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1.2 आएगा, 1.1। और ऑब्वियस है दो पॉइंट के बाद लगेगा तो 1.2 जो 0.12 आ जाएगा, 0.12 आएगा तो 0.11 उसके अप्रोक्सीमेट है, सही है? यस सर। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई ऐसे ही की जाती है, ये मत सोचना कि मेरे को 67 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और 17 का पहाड़ा आना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, सीधा सीधे शब्दों में। हाँ भाई क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है अब बात करते हैं आगे वाली, आर की वैल्यूज की आपने बात की थी तो मैंने आर की वैल्यूज लिख रखी यहाँ पे, ये तीन वैल्यूज आर की, इनको कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे लिए प्लीज? यस, कोई है जो मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करेगा? आप ही कर दीजिए सर। नहीं गुरु, चलो गलत बात है यार, कुछ तो हेल्प कर दिया गुरु। चलो सुनो, आर की तीन वैल्यूज हैं जो मेजरली आपको याद करनी है, ठीक है? चौथी वैल्यू भी है, वो भी याद करनी है, लेकिन इन तीन वैल्यूज के लिए जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी उसके लिए ये 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ ध्यान दे लेना, पर केल्विन पर मोल हर इक्वेशन में मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, ये सब में सेम रहेगा, तो इस यूनिट की तो टेंशन लेनी नहीं है पर केल्विन पर मोल की, ये तो सब जगह मिलेगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जूल में, कैलरी में और लीटर एटमॉस्फेयर में। तो अगर वैल्यू आर की जूल में आती है तो 8.314 याद रख लो, या फिर इसे 25/3 जिसको बिल्कुल ही नहीं पता और इसे बहुत मुश्किल वैल्यू लगती है, 25/3 याद करो, बहुत आसान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी, 3 को 25 से डिवाइड करें, 3 8 24 बचा कितना 1, पॉइंट लग गया 0 आया, 3 3 9 बचा कितना 1, फिर 0 आ गया, 3 3 9 यानी कि 8.33 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, तो 3 3 को छोड़ दो, 8.3 ओन, ये 8.314 है तो 8.3 यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। अब ये मत सोचना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये याद रखने का तरीका है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, तो 25/3 है। क्लियर है सबको? ठीक है अब आगे देखते हैं जरा दूसरी वैल्यू। अब कैलरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलरी इक्वल 4.184 जूल होते हैं, याद है किसी को ये वैल्यू? यूनिट कन्वर्जन, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, मैंने शुरू में बोला था। तो अब जूल आपके सामने 8.31 जूल है, 314, इसको 4.184 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 4 × 2 = 8, 184 को 314 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे आप डिवाइड करेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? लगभग डबल से, लगभग डबल है, 1.98 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम इसे 2 कैलरी मान सकते हैं, तो वहां पर भी देखो यहाँ 2 लिखा हुआ, सीधा 2 कैलरी मान सकते हो, 1.98 कैलरी होता है वैसे ही जब एग्जैक्ट डिवाइड करोगे। तीसरी वैल्यू देखो लीटर एट, तो इन सब में तो जूल और कैलरी का कन्वर्जन था, ये रहा जूल और कैलरी। अब जो असली चीज है वो लीटर एटमोसफेयर, अब ये क्या चीज है? लीटर में होता है वॉल्यूम, एटमोसफेयर में होता है प्रेशर, एक्चुअल में पीवी प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई भी तो जूल होता है ना, जूल यूनिट है एनर्जी का, कैलरी भी एनर्जी का यूनिट है, तो भी जो कैलरी और जूल आया वो तो ये आता है प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई। बट अगर कैलरी या जूल लिखने की जगह मैं इसको प्रेशर को प्रेशर ही रहने दू, यानी कि और उस प्रेशर को भी एटमोसफेयर में लू, क्योंकि जूल तब होगा जब प्रेशर किस में होगा? बार में, और वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में, याद रखना बार मीटर क्यूब जो है वो जूल है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, तो जूल से अगर आप पीवी प्रेशर और वॉल्यूम को एटमॉस्फेयर और लीटर में ले रहे हो तो
तो कुछ वैल्यू चेंज आनी चाहिए। तो लीटर और एटमोस्फेयर के अंदर वो वैल्यू बदल जाती है 0.08 2 1 8 2 1। वो देखो 8 3 1 है, यहाँ 8 2 1 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? वो लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, और इसको 1/12 से याद रख सकते हो, यानी कि 12 बाहर आएगा 1 अंदर आएगा। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ गया, 0 पॉइंट नहीं जानेगा, जीरो लगेगा, कितना आएगा 100 12 8 96 96। कितना बचा, 4 0 12 3 36, 12 2 24 कितना आएगा। अब यहाँ तो आ रहा 12 3 36 है ना, फिर 4 0 फिर 36, 8.833 आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 1 है, तो भाई ये पूरी वैल्यू थोड़ा बताता है, ये तो याद रखने का रट्टा मारने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ रही है बात? तो ये 0.21 आती है एग्जैक्ट वैल्यू, कहीं इसको डिवाइड करके और फिर बोलो कि सर ने गलत लिखवा रखी है, ये याद करने का मेथड है, नथिंग स्पेशल। समझ में आ गई वैल्यू? यस सर। अब देखो जरा, अब एक और वैल्यू आती है कि अगर लीटर की जगह एटमोस्फेयर की जगह अगर बार हो तो प्रेशर, यानी कि लीटर बार में अगर दे रखा हो तो, यानी अब जरा ये देख लो, लीटर और बार, लीटर मल्टीप्लाई में बार, तो यहां आपके पास जो वैल्यू है वो पीवी की वैल्यू क्या है, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या होता है एटमॉस्फेयर और बार के बीच में रिलेशन, 1 ATM जो होता है वो 10^5 bar। हाँ नहीं बेटा, वो 1 Pascal होता है, 10^5 Pascal 1 bar होता है, 1 bar इक्वल होता है 10^5 Pascal, ठीक है, वो नहीं है ये, तो ये होता है 1.01 3 bar। समझ में आ गया ये? यस सर। तो यहाँ मेरे को एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो एक एटमॉस्फेयर में इतने बार होते हैं, ठीक है, मुझे इसको बार में बदलना, तो मैं अगर इस टर्म को, यानी कि 0.0821 को मल्टीप्लाई कर दूं 1.01325 से, तो देखो लगभग 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अप्रोक्सीमेटली 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यस सर। समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यही रहनी चाहिए, लेकिन क्या सच में ये रहती है वैल्यू? थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ी सी, लीटर बार से लीटर सॉरी एटमॉस्फेयर से लीटर बार बनाते हो तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आती है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0.1325 ये वैल्यू आती है। अब देखो ये वाली वैल्यू सही आती है, और वैसे ये आपको याद भी होगी, 0.0831। ये समझ में आ गया? 3 1 के बाद अब 4 नहीं आता, अब 8 आता है, तो भाई उसको भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आ गई, अब ये वाली वैल्यू तो हमारी पहली वैल्यू से मिलती है 831, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट के बाद, अब वहां पर पॉइंट क्या है, 100 का डिफरेंस है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और ये लीटर बार, ये वैल्यू लीटर बार में पर मोल पर केल्विन तो हर जगह रहेगा, पर मोल पर केल्विन तो हर जगह पर रहेगा ही रहेगा। ये समझ में आ गई फोर्थ वैल्यू? यस सर। तो तीन वैल्यूज याद रखिए, मेनली इन तीन से काम चल जाता है, क्योंकि चौथी वैल्यू जो आती है वो आपको पता है कि अगर यूनिट कन्वर्जन याद है, और याद होना चाहिए, ये नहीं याद है तो चुल्लू भर पानी लो गरम और नाग डुबो लो, है ना, सीधी बात। तो ये वैल्यू याद है तो आपको पता है इसको यार लगभग 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या फर्क आएगा, थोड़ा सा आएगा वो 831 वही वाली वैल्यू, बात खत्म। यस क्लियर है सबको? यस सर। इस तरह से चार वैल्यूज हैं जिनसे सारा काम चल जाता है, उनके पीछे वाले यूनिट याद होने चाहिए, जूल कैलरी या फिर एटमोस्फेयर केल्विन या फिर लीटर एटमोस्फेयर या फिर लीटर बार, ये वाली वैल्यूज याद है, बाकी की वैल्यूज भी आप इनसे डिराइव कर सकते हैं, बट चार वैल्यूज से काम बिल्कुल मस्त चलता है, एकदम मस्त, ठीक है। वो एक वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म थी एक, उसमें वो बोलता है ना, मस्त तेल में फ्राई करके मछली खा गया, है ना। यस सर। हेरा फेरी। हेरा फेरी, यस। तो एकदम मस्त मलाई की तरह काम चलता है। ये लो मैं इस वैल्यू को भी लिख देता हूँ, लीटर बार, है ना, पर केल्विन और पर मोल, ये तो हर जगह होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। तो भाई ये चार वैल्यूज हैं जो आपको
याद रखनी है। तीन से ही काम लगभग पूरा चल जाता है, क्योंकि थर्ड वैल्यू को ही लीटर एटमोस्फेयर की जगह अगर लीटर बार में भी यूज करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आना। वो फिर वैसे वेरिएटिव बराबर वन एक बार ले लेते हैं। हाँ लगभग ले लेते, उससे ज्यादा फर्क आना नहीं, तो लगभग आपका तीन वैल्यू से ही फर्क पता चल जाता है। बट कई बार एग्जैक्ट वैल्यू की बात आए तो फोर्थ वैल्यू भी कभी कभी याद हो चाहिए। जिस बच्चे ने लेक्चर लगाया हो ना, उसके अंदर से ये मैंने स्निपशॉट खींचा था, मैंने वो तीनों वैल्यूज बताई दिए उस लेक्चर में। याद है किसी को? नहीं याद हुआ है ना? कोई था क्या ऐसा बच्चा जिसने 11th क्लासेस लगाई है मेरे साथ? अरे आपने हमें बताया एक बार पढ़ा एक बार पढ़ाने से तो कुछ बात बनती नहीं बेटा। एक बार में तो टीचर, टीचर का अलग स्टाइल होता है। अगर 10 दिन भी पढ़ा दूंगा मेरा स्टाइल अलग होगा, दूसरा टीचर अलग उसी लेसन को अलग स्टाइल से पढ़ाएगा, डिफरेंस समझ नहीं आएगा कि किसकी समझ आ रही है और किसकी नहीं आ रही है, दोनों खिचड़ी मच जाएगी, है ना? तो एक बार से तो नहीं होने वाला। खैर मतलब कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसको मैंने पढ़ाया हो। आप लोग मेरे से कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा? रितेश फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये भाई लास्ट ये भाई क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दैट सॉल्व फॉर द टू डेज लेक्चर। तो भाई अब चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था, सीधा ही फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं। डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी थी, 1 मोल, 1/2 मोल, 1 मोल, ठीक है। हाँ भाई मैं ऑप्शन क्या बेटा? ऑप्शन ए था ना सर इसका आंसर? नहीं भाई, बी है इसका। ये लो आंसर, आर टी की वैल्यू 1/2 अंडर रूट, ये ए ही है। यस राइट, ऑप्शन ए ही है, ठीक है। सर हाँ बेटा इसका डेल्टा एन जी तो माइनस आएगा ना, तो माइनस आएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा ना उस तरफ, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। रुक जाओ मेरे को देखने दो क्या आएगा। देखो जरा, के सी वाई केपी की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है केपी क्या होता है, के सी आर टी की वैल्यू अंडर रूट एन की वैल्यू बताओ कितनी है। -1/2 सब माइनस हाफ, माइनस हाफ है, ठीक है। तो माइनस हाफ मतलब मैं लिख सकता हूँ आर टी को नीचे लिख दूं, के सी के नीचे आर टी की वैल्यू 1, ठीक है, 1/2, ये सही यस है। सर। माइनस का प्लस में हो गया, आर टी को इधर ले जाओ, केपी को उधर लेके आओ, क्या आएगा? आर टी आ गया ठीक है, माइनस समझ गया। की वैल्यू आ गई 1/2 और इक्वल आ गया। जब हम स्टेप खाते हैं ना तो हमेशा ऐसा ही होता है, के सी डिवाइडेड बाई के पी, हमें के सी बाई के पी निकालना था, के पी बाई के सी नहीं निकालना था। तो ये 1/2 आ गया आर टी की वैल्यू, दैट इज दिस वन, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। इसको अंडर रूट भी लिख सकते हो, हाफ को हटा के, हाफ का मतलब यही होता है, दैट्स इट, ठीक है बेटा। अभी मैं चलो ठीक है, मैं इसको अब ऑफ कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मुझे बताइए कि...